आज की वीडियो में हम आपको बांसुरी के बारे में कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य बताने वाले हैं जिसे आपने कभी भी नहीं सुना होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कान्हा जी जन्म ले चुके हैं और देश भर में जन्माष्टमी मनाई जा चुकी है। जन्माष्टमी के बाद अब बात करते हैं कन्हैया की बांसुरी की। कृष्ण प्रिय बांसुरी की धुन किसे नहीं भाती और कृष्ण प्रिय बनने के लिए बांसुरी आपकी सहायता भी कर सकती है। बांसुरी चूंकि बांस से बनी होती है तथा इसके पौधे को दिव्य माना जाता है। अंततः घर में बांसुरी का प्रयोग करके कई तरह से लाभ उठाया जा सकता है। बांसुरी को घर में रखने से कई प्रकार के वास्तु दोष दूर होंगे एवं घर में खुशहाली बनेगी। पति पत्नी में क्लेश दूर करने के लिए सोते समय सिरहाने पर बांसुरी रखे आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दाम्पतियों को श्री कृष्ण के बाल रूप के साथ बांस से बनी सुंदर बांसुरी रखनी चाहिए। बांसुरी शांति व समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अंततः घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना समृद्धि को आमंत्रित करेगा, जिससे परिवार पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी एवं आर्थिक तंगी से दूर होने से मदद मिलेगी। घर में बांसुरी ऐसे स्थान पर रखनी या लगानी चाहिए जहाँ से बार बार आपकी नजर उस पर पड़े। ऐसा करने से सकारात्मक विचारों में वृद्धि होकर आपको कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यदि घर में कोई सदस्य बीमार रहता है तो उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर अथवा सिरहाने बांसुरी रखने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जिस व्यक्ति को काफी मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता हासिल नहीं हो रही है, उनके लिए बांस से बनी यह बांसुरी उन्नति और समृद्धि दोनों देने में सक्षम है। अंततः उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हुए अपने दुकानों की छत पर दो बांसुरी चिपकानी चाहिए या लटकानी चाहिए। यह बहुत ही सरल उपाय है जो आपको अपने बिजनेस में उन्नति के शिखर पर ले जा सकती है। आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए या फिर किसी प्रकार की साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने पूजा घर के दरवाजे पर बांसुरी लगाने से शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे तिरछा लगाना शुभ परिणाम देता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।